हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 26 जनवरी 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 और इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज़ को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के बड़े फैंस हैं या फिर आईपीएल के स्टार्ट होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, सबसे पहले आप सभी को वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे के साथ थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैनल के ऊपर हम लोगों ने 100K यानी कि 1,00,000 लोगों की फैमिली को कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट होपफुली आगे भी इस चैनल के ऊपर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही गाइज अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है स्टीव स्मिथ को लेकर। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि स्टीव स्मिथ को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। हम आपको ये बात करीब 2 वीक से बता रहे हैं, तो ऐसे में अब यहां पर सीएसके के मैनेजमेंट की साइड से 3 बड़े रीजंस दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से ये आपको स्टीव स्मिथ को टारगेट करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला रीजन है शेन वॉटसन की अनुपस्थिति में टॉप ऑफ द ऑर्डर स्टीव स्मिथ काफी ज्यादा अच्छी बैटिंग करके इनको देंगे। दूसरा रीजन है एमएस धोनी और स्टीव स्मिथ का इनको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्रिकेट के 2 बहुत ही बड़े प्लेयर्स अगर आपस में आ जाएंगे एक ही टीम में तो सीएसके को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही एमएस धोनी के फ्यूचर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी कि एमएस धोनी जब भी रिटायर होंगे उसके बाद स्टीव स्मिथ के रूप में इनको एक कैप्टन फिगर भी मिल जाएगा। तो इन 3 बड़े रीजन की वजह से सीएसके की टीम आईपीएल ऑक्शन में आपको स्टीव स्मिथ के ऊपर बिडिंग करते हुए नजर आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग स्टीव स्मिथ को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेलते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की साइड से रिलीज हुए एलेक्स कैरी की तरफ से। हमने आपको बताया था कि एलेक्स कैरी बीबीएल में काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने वहां पर शतक भी लगाया था, हालांकि डीसी की टीम ने उनको अनफॉर्चुनेटली रिलीज कर दिया था। लेकिन गाइज अब एलेक्स कैरी ने सारी आईपीएल फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने अर्ज किया है कि वो लोग उनको इस बार जरूर पिक करें। आईपीएल ऑक्शन में उनका मानना है कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, उनके करियर के हिसाब से उनको ये लीग में खेलना ही पड़ेगा इस बार, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि पहले तो डीसी की टीम उनको रिटेन कर ले क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम से ही वो खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर डीसी की टीम उनको पिक नहीं करना चाहती तो फिर उन्होंने सारी फ्रेंचाइज को बोला है कि उनको एक चांस दिया जाए। तो एलेक्स कैरी की रिक्वेस्ट है, देखने वाली बात होगी क्या उनके ऊपर ऑक्शन में बिडिंग होती है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से एलेक्स कैरी कितने रुपए में इस बार आईपीएल ऑक्शन में बिक सकते हैं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आकाश चोपड़ा की तरफ से। आकाश चोपड़ा ने अपनी टॉप लिस्ट बताई है जिसमें उनके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर हाईएस्ट बिडिंग हो सकती है वो उन्होंने बताया है, तो मैं आपको ये लिस्ट बता देता हूं। उन्होंने बताया है कि मिचेल स्टार्क इस साल की आईपीएल की नीलामी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यानी कि वो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे प्लेयर आपको बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया है मुजीबुर रहमान का। उन्होंने बताया है कि मुजीब के ऊपर आसानी से 7 से 8 करोड़ रुपए की बिडिंग होगी। कैमरन ग्रीन का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने बताया कि 5 से 6 करोड़ इनके ऊपर बिडिंग होगी। कायल जेमिएसन के ऊपर 5 से 7 करोड़, जेसन रॉय के ऊपर 4 से 6 करोड़। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ग्लेन मैक्सवेल और नाथन कोल्टर नायल जैसे प्लेयर्स के ऊपर 4 से 5 करोड़ रुपए की बिडिंग होगी। हालांकि इनका आईपीएल का लास्ट सीजन उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया था, तो अर्ली प्रेडिक्शंस आ चुकी हैं आकाश चोपड़ा की तरफ से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से आईपीएल 2021 नीलामी का सबसे महंगा प्लेयर कौन हो सकता है आपके हिसाब से। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में। एक और बहुत ही बड़ी अपडेट हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आ चुके हैं। आईपीएल ऑक्शन की डेट हमने आपको बताया था कि 18 तारीख निकल कर आई है टेंटेटिव डेट, लेकिन हमने आपको रेंज दी थी कि 16 से 21 के बीच में कभी भी आईपीएल हो सकता है। और गाइज अब टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर निकल कर आई है कि 18 या फिर 19 फरवरी को
आप लोगों को आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा और ये ऑक्शन आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में। हमने आपको बता दिया था कि कोलकाता में अगर ये एडजस्ट नहीं होता है तो फिर चेन्नई में आपको ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो वही बात है कि कोलकाता में सिचुएशन अच्छी नहीं होने की वजह से चेन्नई में आप लोगों को इस बार आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है एमएस धोनी को लेकर। अगर आप लोग उनके फैंस हैं, अगर आप लोग सीएसके फ्रेंचाइज के फैंस हैं तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहेगा एमएस धोनी का, क्योंकि धोनी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट से काफ़ी दूर है, वो सीधा आईपीएल ही खेलते हैं और ऐसे में उनके फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए भी तरसते रहते हैं कि एमएस धोनी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, किस तरीके से आईपीएल के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एमएस धोनी का एक्सक्लूसिव नया लुक जो कि आप लोगों को आईपीएल 2021 में देखने को मिलेगा, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस लुक के साथ एमएस धोनी आईपीएल 2021 में आप लोगों को उतरते हुए नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आपके हिसाब से एमएस धोनी अपना माही मैजिक इस बार फिर से रिपीट कर पाएंगे आईपीएल में या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से। एक एक करके ऑलमोस्ट सारी ही टीमों की टारगेट प्लेयर लिस्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं और यहां पर मुंबई इंडियंस के तीन बड़े टारगेट प्लेयर्स के नाम हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं जिनको मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट टारगेट करते हुए नजर आ रहा है आईपीएल ऑक्शन से पहले। सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है पवन नेगी का। बताया जा रहा है कि एमआई की टीम इनको अपनी टीम में क्रुणाल पांड्या के बैकअप के तौर पर शामिल करना चाहती है, क्योंकि क्रुणाल पांड्या ऑलमोस्ट सारे ही मैचेस खेलते हैं तो ऐसे में उनके बैकअप के तौर पर ये पवन नेगी को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कायल जेमिसन। इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता चुके हैं कि इनके पीछे एमआई की टीम वैसे भी जाने वाली है। तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है जे रिचर्डसन का। आप लोगों को पता होगा कि ये बीबीएल में कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इनके ऊपर ना सिर्फ एमआई बल्कि बाकी टीमें भी टारगेट इनको करने वाली हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के हिट लिस्ट में इन तीन बड़े प्लेयर्स का नाम निकल कर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को नीलामी में खरीदना चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। आरसीबी की साइट से ऑफिशियल वीडियो अपलोड की गई है जिसमें बताया गया है कि आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली और उनका जो यहां पर बाकी का स्टाफ है यानी कि माइक हैसन और साइमन कैटेज, उनके बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट देखने को मिला था क्रिस मॉरिस को रिलीज करने के ऊपर, क्योंकि यहां पर विराट कोहली चाहते थे कि मॉरिस को रिटेन कर लिया जाए, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम सामने आई थी वो थी पैसे की, क्योंकि 10 करोड़ रुपए क्रिस मॉरिस के ऊपर लगे हुए थे। अगर उनको आरसीबी रिलीज ना करती तो इनका बैलेंस पर्स काफी कम रह जाता, तो ऐसे में ये डिसीजन जो था ये इन्होंने काफी ज्यादा सोचने के बाद लिया। मतलब मॉरिस को रिलीज करना ये चाहते नहीं थे क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उनकी इंजरी और उनकी जो प्राइस टैग थी वो बहुत ज्यादा होने की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ये डिसीजन उठाना पड़ा। तो ऑब्वियसली आपको आरसीबी की टीम वापस से ऑक्शन में अगर मॉरिस के पीछे जाते हुए नजर आती है तो आप लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगर आरसीबी की टीम मॉरिस के ऊपर बिडिंग करती है तो आपके हिसाब से कितने करोड़ रुपए तक की बिडिंग आरसीबी को इस बार करनी चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर। और ये सीरीज के वन ऑफ द की प्लेयर्स जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो है कुलदीप यादव, क्योंकि पिछले काफी टाइम से उनको चांस नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स को मौका मिल गया लेकिन कुलदीप यादव को चांस नहीं दिया गया। और गाइज इसके बाद बड़े बड़े सीनियर क्रिकेटर्स जैसे कि गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग सभी ने आलोचना की थी कि कुलदीप यादव अभी जो उनका पीक टाइम हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। और गाइज अब फाइनली रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज होगी कुलदीप यादव का खेलना उसमें 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि भारत उन मैचेस को अपनी पिच पर खेलेगा तो अफोर्ड किया जा सकता है कुलदीप यादव के साथ एक्सपेरिमेंट करना। और क्योंकि वो पिछले काफ़ी टाइम से क्रिकेट से दूर हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर से वो अपना रिटर्न कर पाएँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोगों के हिसाब से कुलदीप यादव को भारत और इंग्लैंड सीरीज में मौका दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।